अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख दुला। आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप की बिजनेस के ऊपर कि स्टार्टअप बिजनेस पाकिस्तान में फेलियर की तरफ क्यों इतने ज़्यादा जाते हैं या उनके फेल होने के चांसेस क्यों इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में एक स्टैट्स के मुताबिक 80-90% स्टार्टअप्स पहले 2 साल के बीच में फेल हो जाते हैं। उसकी बहुत ही बुनियादी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते, बहुत सारे लोग उसके ऊपर वर्किंग नहीं प्रॉपर से करते कि स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च की जाए, उस पर वर्किंग की जाए एंड देन उसको स्टार्ट किया जाए। स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए कुछ स्टेप्स के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह से उसको लॉन्च करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें आइडिया जो होता है किसी भी स्टार्टअप का, एक आइडिया उसको वैलिडेट करना चाहिए कि किसी भी आइडिए को, किसी भी स्टार्टअप के प्लान को किस तरह से आप उसके आइडियाज़ को वैलिडेट करते हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, उसकी ऑडियंस कितनी है, उसको आपने किस ऑडियंस में लॉन्च करना है और उसके बाद उसमें अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए तो आपको लोकल फंडिंग चाहिए या आपको इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए, आप फंडिंग कैसे लेके आ सकते हैं और उसके बाद उस फंडिंग को यूज़ कैसे किया जा सकता है, यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टार्टअप को एक अच्छे ग्रोथ लेवल तक लेके जाने के लिए। तो आपका आइडिया हमेशा कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर अब मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारी टेक बेस्ड ऐप्स चल रही हैं जिनके बीच में, जिनके थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, लाइक क्रीम, उबर भी रिसेंटली एक नई लॉन्च हुई है, उसके अलावा बाइकिया है, इन ड्राइवर है, ये सारी ऐप्स जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन अगर अब आपने कोई अपना इनोवेटिव आइडिया लेके आना है तो उसमें कुछ नई चीज़ लेके आनी है। लाइक उसकी एग्जांपल ऐसे है कि पाकिस्तान के बीच में उबर काम कर रही थी तो उसके बीच बाद जब इन ड्राइवर आया तो इन ड्राइवर ने उसके बीच में आपकी फेयर की जो बैट है वो स्टार्ट कर दी कि आप अपनी कुछ भी आप अपनी तरफ से फेयर जो है उसके बीच में डिसाइड कर सकते हैं। तो उबर के पास ये नहीं था तो उसने कुछ चेंजिंग लेके आया, यूनिक सेलिंग पॉइंट बीच में लेके आया। या जब बाइकिया ने लॉन्च किया तो उसने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे लोगों ने क्रीम की या उबर की सर्विस यूज़ करना स्टार्ट कर दी है तो क्यों ना बाइक की सर्विस भी लॉन्च की जाए जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी होगी और ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। तो जब उसने बाइकिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया पाकिस्तान के बीच में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो आज बहुत सारे लोग उबर की बजाय बाइकिया यूज़ करके पार्सल भी डिस्पैच करवा रहे हैं और उसके साथ जो है बाइक की राइड भी जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट चीज़ लेके आए। अगर आप उसको सेम डुप्लीकेट करेंगे, अगर उबर की जगह साथ ही आप उबर का सेम मॉडल कॉपी करेंगे तो वो उसको चलाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट चीज़ें जो ऑडियंस है जो ऑलरेडी उबर यूज़ कर रही है उसकी ऑडियंस को कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि एक टफ जॉब है। तो आपने कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो फूड पांडा की, तो फूड पांडा अगर आज चल रही है तो वो इंटरनेशनल है, दुनिया के कई मुल्कों में काम कर रही है। तो आज वो इस लेवल पे पहुंची है कि वो एक अपनी ऐड के थ्रू या एक अपनी मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू हज़ारों या लाखों नया यूज़र्स जो है वो अपने रजिस्टर कर लेती है और उनकी डेली बेसिस पे लाखों डिलीवरीज पाकिस्तान के बीच में हो रही हैं। तो अगर आप सेम वो कॉन्सेप्ट दोबारा लॉन्च करेंगे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ बीच में इनोवेशन लेके आनी है, आपको का आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, उसकी बेस पे आप जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। जब आपने आइडिया या आपने का जो भी स्टार्टअप का प्लान है, लाइक अगर आप कोई टेक बेस्ड स्टार्टअप में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो आपका होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, जिस तरह आपने पहले एक वीडियो में देखा होगा कि ई कॉमर्स के बिजनेस में भी आपके पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, इसी तरह आपके पास स्टार्टअप में भी कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कि जिसकी बेस पे आप अपनी ऑडियंस कैप्चर कर सकें या आप उसके ऊपर जो है वो फंडिंग रेज कर सकें, आप इन्वेस्टर को ये चीज़ अपने पिच डेक में आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि मेरा आइडिया इनोवेटिव कैसा है। ठीक है, तो ये आपके आइडिया तक की बात होगी। उसके बाद उसकी लॉन्चिंग की बात करें तो लॉन्च आपने कैसे करना है वो डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर कि आप अगले 2 सालों में या अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में अपने आइडिया को, अपने स्टार्टअप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। दो तरह से लॉन्च किया जा सकता है। एक तो जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा है जी कि आपने जस्ट आइडिया लाएँ, इन्वेस्टर से पैसा लें और उसको फुल हाई लेवल पे जो है उसको लॉन्च करें, 1 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने उस पर काम करें और वो आइडिया फेल हो जाएगा और उसको आप फिर क्लोज कर देंगे। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है और ऑलमोस्ट जो है इस वक्त जो रेशो जा रही है वो 80-90% रेशो ऐसी है जो कि स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड गोल होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते।
उसकी यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पे ही बगैर वर्किंग के उस पर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे, टीम पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि आपको बाद में फुलफिल नहीं होती उस, या उसके रिटर्न आपको उस तरह नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको बिल्कुल स्लो लेवल पे स्टार्ट करें, बिल्कुल उसको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, उसका पोटेंशियल देखें पहले, और देन उसको उस जो भी आपकी नीच है उस नीच के बीच में जाते हुए जब आपकी टारगेटेड ऑडियंस बन जाए, देन उसकी मार्केटिंग करें एंड देन उसके ऊपर वर्किंग करें और टीम को एंगेज करें उसके बीच में। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका स्टार्टअप है, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपका चल सकेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न आती है वो है फंडिंग की मैनेजमेंट, कि आपको फंड मिल तो जाते हैं, आपने या आपने फंड्स को यूज़ करना है, या आपने कोई इन्वेस्टर है एंगेज किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको फंड्स तो मिल जाते हैं। अब उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है, कि उस फंड्स की आपने कितने परसेंट फंड्स की आपने मार्केटिंग करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लगाना है, ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है। तो आपने टीम, या कुछ लोग क्या करते हैं, टीम हायर करते ही नहीं है, वो अकेले सब कुछ करते रहते हैं, या जो दो तीन को फाउंडर्स होते हैं वो सब कुछ अकेले सब कुछ करते रहते हैं, तो वो भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा ऑफिस, आपकी टीम हायरिंग हो रही है, पूरी मार्केटिंग टीम लैदा से बना ली, क्रिएटिव टीम लैदा से डिज़ाइन कर ली, एंड देन आपका जो है वो 25-30-40 लोगों की टीम बना लेते हैं, और उसके बाद भी वो 6 महीने में जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है, क्योंकि आप उनके एक्सपेंस बियर नहीं कर पाते, सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता, तो आपको एक्सपेंस ही बियर नहीं होते, तो आपने कैसे, आपके इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं चल सकेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी मिक्स एंड मैच करके, ना बहुत ज़्यादा कम टीम हो, ना बहुत ज़्यादा बड़ी टीम हो, एक मीडिएट लेवल की टीम के साथ आपको काम करना है, और एक आपने जो अपनी प्रोडक्शन है, जो आपने अपना जो विजुअल्स हैं वो आपने अच्छे रखने हैं, उसमें आपने कंप्रोमाइजिंग नहीं करना। हाँ, आप कंप्रोमाइजिंग अपने ऑपरेशंस की चीज़ों पे उस तरह से कर सकते हैं कि आपके जो एंड यूज़र है उसको वो कंप्रोमाइज आपका नज़र ना आए, तो इसकी मैनेज करना सबसे बड़ा एक जो है वो टास्क होता है, कि आपने अपने स्टार्टअप को मैनेज किस तरह से करना है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉब बैकग्राउंड होता है, उन्होंने कभी पहले लाइफ में बिजनेस नहीं किया होता, या उनका कोई ऐसा इंटरफेस नहीं रहा होता किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल्स को या जो आपकी जो अकाउंट्स की चीज़ें उनको मैनेज किया हो, तो उस सूरत में भी आपका स्टार्टअप फेल होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लाइक आपको रेवेन्यू मैनेजमेंट नहीं आती, कि आपने जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको मैनेज कैसे करना है। आप फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल छोटी सी शेयर करते हैं, कि आपके पास कोई क्लाइंट्स के से रेवेन्यू आया, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, और आपके 3 को-फाउंडर्स हैं और उन्होंने आपस में उसको डिवाइड कर लिया, तो ये स्टार्टअप कभी भी या कोई भी कंपनी, कोई भी एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऐसे नहीं चलता। तो आपको जब वो फंडिंग को एक अकाउंट में सेव करना है, उसमें से एक्सपेंस को डिवाइड करना है, एंड देन क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपने अपना प्रॉफिट को उसमें से निकालना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी मिसिंग है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, जो भी जो या स्पेशली उन लोगों में जो जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, या जिन्होंने पहले लाइफ में कभी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी डिफरेंट लगती है, कि जी हमारे पैसे हैं, हम इसको कैसे ना यूज़ करें, हम तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट तक कर सकते हैं, और उस चीज़ों को। एंड देन द सेकंड मेजर पॉइंट, कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के बीच में बहुत ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं, लाइक आप हैं, आपने अपना कोई एक आइडिया बिल्ड किया, आपने कोई भी अपनी एक चीज़, आप फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, आपने कुछ ऐप डेवलप की लाइक AI से रिलेटेड, आपने क्या जो लाइक कैनवा की तरह आपकी आपने एक ऐप लॉन्च कर दी, लेकिन आप बिजनेस डेवलपमेंट में अच्छे नहीं हैं, आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं, आप अपने काम में अपनी स्किल्स में अच्छे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक को फाउंडर अरेंज करना है, या आपको एक कोई हायर करना पड़ेगा जो बिजनेस डेवलपमेंट अच्छी करता हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो बिजनेस डेवलपमेंट में, और उसको आपको पोस्ट देनी पड़ेगी, अच्छी डेजिग्नेशन देनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये भी पाकिस्तान में आता है कि अब मैं अपने से ज़्यादा बड़ी पोस्ट उसको कैसे दे दूँ, लाइक अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या मैं क्रिएटिव हेड हूँ, या मैं लाइक कोई ऐसा टेक्निकल बेस बना हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि बिज़नेस डेवलप कैसे किया जाता है, बिज़नेस में क्लाइंट्स को कैसे डील किया जाता है। तो मैं अगर एक बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर रखूँगा, तो उसको मैं सैलरी दे पे रखूँगा, या उसको मैं को फाउंडर रखूँगा, तो पाकिस्तान में ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपनी से ऊंची पोस्ट किसी को आप सैलरी दे के कैसे रख सकते हैं अपने बिज़नेस में।
आप अपने बिजनेस में अपने से ज़्यादा, अब जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं उनमें सीईओ हायर किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कल्चर अभी तक यूथ में स्पेशली जो कि फ्रीलांसर कैटेगरी से या जॉब कैटेगरी से नया नए बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि आप सीईओ हायर कर सकते हैं या आपका कॉरपोरेट स्ट्रक्चर कैसे बनता है या आपके बिजनेस में सीएमओ की क्या वैल्यू है, जो है सीएफओ की क्या वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं तो पहले आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों की कैटेगरीज को देखें कि आपके बिज़नेस में किस किस चीज़ की नीड है, क्या क्या ज़रूरत है बिज़नेस के बीच में और किन चीज़ों को होना इनमें ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपका सक्सेसफुल जाएगा स्टार्टअप हमेशा। और उसके बीच में आपने इनोवेशन करते रहना, ये नहीं कि आपने फॉर एग्जाम्पल आज अगर क्रीम एक जगह पॉइंट पर पहुँची है, या बाइकिया की एग्जाम्पल लें, बाइकिया ने बाइक राइड स्टार्ट की, अच्छा किया और उसकी सक्सेसफुल भी गई, लेकिन उसने वहाँ पर स्टॉप नहीं लगाया, उसने उसके बाद उसके बीच में जो है आपके पार्सल डिलीवरी का ऑप्शन ऐड किया, अभी रिसेंटली उसमें कार्स का ऑप्शन भी आ गया है, टैक्सी सर्विस भी उसमें आ गई है, या उसके बीच में इनोवेशन करते रहना है, कोई नए मॉडल, कोई नई पेमेंट मेथड या कोई ना कोई ऐसी नई सर्विसेज उसके बीच में लॉन्च करते रहना है कि जो आपकी ऑडियंस एक दफ़ा बिल्ड हो चुकी है वो वहाँ पर स्टॉप ना कर जाए, क्योंकि अगर वो स्टॉप कर गई तो उससे नया जो स्टार्टअप आएगा वो ऑडियंस उस पर मूव कर जाएगी। अगर आपने अपनी ऑडियंस को परमानेंट अपने साथ रखना है तो आपको अपनी जो है कोई डील्स देते रहना है, कोई ऑफर्स देते रहना है, कोई इनोवेटिव जो है सर्विसेज लॉन्च करते रहना है, तभी आपका जो ऑडियंस है वो आपके साथ सक्सेसफुल रहेगी और आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडिंग की, तो फंडिंग जो है उसको मैनेज करने का, तो मैंने आपको बताया कि फंडिंग को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम पीरियड में कितने फंड्स को यूटिलाइज़ करना है और नेक्स्ट आपके पास कितना ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है, आपके पास नेक्स्ट कितने फंड्स पड़े हुए हैं, उनको नेक्स्ट आप कब तक सर्वाइव कर सकेंगे और उसके सर्वाइवल पीरियड के बाद जब आपका सस्टेनेबिलिटी का पीरियड आता है उसमें आपने कैसे काम करना है और जब आपका ग्रोथ पीरियड आता है उसमें आपने कैसे काम करना है। तो ये सारे स्केल्स जो है आपने अपने स्टार्टअप के डिवाइड करने हैं।